हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा रहने वाला है। एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर्स का आज का दिन कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स द डेस्टिनी, ट्रुथ, डिस्कनेक्ट एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। बॉटम से थर्ड आई चक्र की एनर्जी है विद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आज के दिन की एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर के अगर कोई ऐसे फ्रेंड है जो अनमैरिड है या आसपास के दोस्त हैं जिनके साथ इनके अच्छे बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं, पॉसिबल है कि ये उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग को या प्राइवेट वेडिंग को अटेंड करें। ठीक है, इनकी लाइफ में भी शादी से रिलेटेड कोई इवेंट्स हो सकते हैं आज के दिन में। फैमिली से डिस्कशन होना, मतलब पॉसिबल है कि इनको ऑप्शंस दिए जाएं कि तुम इसमें से सेलेक्ट करो कौन सा अच्छा लग रहा है या किससे शादी करनी है तुम्हें। तो ऑप्शंस की एनर्जी है किसके लिए, फॉर मैरिज, या ये अपने ऑप्शंस को और एक्सप्लोर कर सकते हैं मैरिज के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर शादी करने वाले हों या शादी को लेकर किसी तरीके का एनर्जी या समय इनका शुरू हो गया हो। ठीक है, ये पता नहीं किसके पार्टनर की एनर्जी है, बट ये है आज के दिन में पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को किसी कंफ्यूजन पर विक्ट्री मिल सकती है। ठीक है, इनकी लाइफ में किसी तरीके का डेस्टाइंड चेंज भी आज के दिन में नजर आ रहा है। ये जो चेंज है यहां पर, ये जो चेंज इनका होगा वो पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव मैनर का चेंज है, जैसे सिचुएशंस इनके फेवर में हो और जो ये चीज करें उसमें इनको सफलता मिल जाए, क्योंकि चेंज इज पॉजिटिव। ठीक है, आज के दिन में ये किसी को कोई ट्रुथ रिवील कर सकते हैं या इनसे कोई ट्रुथ बता सकता है, या अनएक्सपेक्टेड वे में इनको कोई ऐसा सच पता चल जाए जिससे ये इमोशनली मूव ऑन कर ले या डिटैच हो जाए, किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग एनर्जी वे, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है दैट इज ऑफ ट्रुथ जजमेंट। ठीक है, तो किसी तरीके का निर्णय यहां पर दिख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी है डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, तो पॉसिबल है कि अगर आपसे बातचीत हो रही है तो ये थोड़ा सा कटा कटा बिहेव करें, बहुत ज्यादा आपको टाइम ना दें या आपको इंतजार कराएं कि मैसेज सेंड करके बहुत लेट से रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर ये आपसे भी नो कॉन्टेक्ट में है तो ये पूरे दिन दुनिया से डिटैच रहें और एकांत का समय चूज करें खुद को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ज्यादा अकेलापन फील करने की एनर्जी है, अकेलेपन के जोन में रहने की एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेशेंस एंड प्लानिंग। पॉसिबल है कि आज के दिन में आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में पेशेंस रखें और तब जाकर कोई प्लानिंग से भरा कोई एक्शन ले। ठीक है, या तो ये एक्शन ले जाएंगे या फिर उस पर टाइम लगाएंगे। ठीक है, आज के दिन में इनको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी मिलने वाली है जो सिचुएशन इन्हें आगे बढ़ाएगी। ये किसी तरीके का लॉस हो सकता है, जैसे इन्होंने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, इनका ध्यान ऐसा ही रहा कि सब मेरे लिए अच्छे हैं या ये तो अपना है या ये सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन से ही इनको ट्रिगर मिलने वाला है जिस पर इनकी आंखें खुलेंगी, इनका जो इनसाइट है वो स्ट्रांग होगा, तो ये काफी ज्यादा डाउन भी फील करेंगे, लॉस्ट फील करेंगे। पॉसिबल है कि इनको किसी से झटका मिले, कोई बैड न्यूज मिले, कोई चीटिंग इनके साथ हो जाए जिससे ये उस व्यक्ति से या उस सिचुएशन से ही बाहर निकल जाए। ठीक है, ये एनर्जी यहां पर कुछ लोगों के पार्टनर्स की है। यहां पर कई बार 6-6 की एनर्जी है, we have the vibration of number 666, 6 hours के अंदर 23 hours, even 33 hours तक के अंदर ये चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में रेजोनेट करेंगी। ठीक है, आज के दिन में आपके पार्टनर कहीं ट्रेवल भी कर सकते हैं और ये जो ट्रेवलिंग होगी ये काम के सिलसिले में हो सकती है या इनको कहीं दूर जाना पड़ जाए। आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन हो सकता है, कोई सिचुएशंस थी जहां पर इन्हें आपको चूज करना था या इस रिश्ते को चूज करना था और कोई अदर सिचुएशन भी बराबर का इंपॉर्टेंस रख रही है इनके लाइफ में, प्रायोरिटी ये दे रहे हैं, तो ये एक सिचुएशन को खत्म करेंगे। ठीक है,
सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की आज की एनर्जी. होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.